गैंगस्टर एक्ट 14(1) का फैसला के बगैर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी का 14,90,00,000 की जायदाद पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के नेतृत्व में कार्रवाई करके कुर्क कर दिया गया है। इस अवसर पर कई थाना प्रभारी और जवान के साथ क्षेत्र अधिकारी श्याम बहादुर सिंह और उप जिला अधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी भी मौजूद थी। लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 का अभी से ही टेलर बनाया जा रहा और लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, हत्या से हटाने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई है। उनको कुर्क किया गया है, उनके बगल में और भी ज़मीनें हैं और इस सरकार द्वारा कहा गया है कि अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी के दबाव देकर ज़मीनों को खरीदा है, बिना मुफ्त में ख़रीद लिया है। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि उस अफजाल अंसारी के साथ साथ दूसरे लोगों ने भी उन मौजूदात में खेत जो ख़रीदा है, क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है कि सिर्फ अफजाल अंसारी पर की जा रही है? अफजाल अंसारी पर तो ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक का भी मुकदमा किया गया था, जहां वो पेश भी हुए थे और तमाम जगहों से वो बरी भी हो चुके थे, फिर ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है? लोगों का यह भी कहना है कि वर्ष 2005 में अफजाल अंसारी पर जिंदगी में पहली बार उन पर मुकदमा विधायक कृष्णा नंद राय की हत्या हो जाने के बाद साजिशकर्ता के रूप में उन पर किया गया था। में आप बरी भी हो चुके हैं, लेकिन उसी दौरान 2007 में उन पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगाया गया था, जो अब तक वो मुकदमा विचाराधीन है। बिना विचाराधीन फैसला किए हुए लोगों का यह भी कहना है, विचाराधीन मुकदमे पर प्रशासन के हुक्म पर इस तरह की कार्रवाई से ये बात समझ में आ रही है कि क्या देश से कानून और संविधान ख़त्म हो जाएगा? अगर ख़त्म हो जाएगा तो सरकार को ये बात कहनी चाहिए कि अब देश में संविधान और कानून नहीं रहेगा, अब हमारे क्षेत्र राज रहेगी। अब आप पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय जनता से उनकी बातों को सुने। G72 न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद। सर, आज ये किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो पंजीकृत किए जा रहे हैं, पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है, और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज नकुर किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज न किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। मौके पे हमारी पूरी टीम एसपी सिटी और सीओ सिटी और सीओ कासमाबाद, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, और इसी तरीके का अभियान और इसी तरीके की कार्रवाई जो है लगातार अपराधियों के खिलाफ चलती रहेगी। सर, उनको कुल कितनी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है? देखिए, आज 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त न की जा रही है, 4 कुल प्रॉपर्टीज है इसमें। इस वक्त में उप जिलाधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी के पास मौजूद हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आज मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत सांसद अफजाल अंसारी के यहाँ कुर्की का, उनकी ज़मीनों को कुर्क किया गया है, ऐसा कि प्रेस नोट पर जारी हुआ है। मैं आपसे जानना तफसीली जानना चाहता हूँ कि मामला पूरा क्या है। जी, आज 24 जुलाई 2022 को जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार धारा 14 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत हमने कार्यवाही पूरी की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हमने 4 मौजों में अचल एवं बेनामी संपत्ति जो माननीय सांसद जी की है उसे हमने कुर्क कराया है, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 14,90,00,000 के आसपास आती है। और ये मौजा जो हैं ये हमारे तहसील मोहम्मदाबाद क्षेत्र में आते हैं, माचा
धनेटा और नरसिंहपुर, जिसमें काफ़ी बड़ा रकबा जो है आता है। इसमें खेत ही थे, कुछ फार्म्स थे, कुछ बगीचे थे, एक दो फार्म हाउसेस थे, ट्यूबवेल हाउसेस चल रहे थे, जिसे हमने पूरी तरह से सीज कर दिया है और हमने तहसीलदार मोहम्मदाबाद को इसका प्रशासक नियुक्त करते हुए उनके ऊपर पूरी प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ CO मोहम्मदाबाद, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद जो हैं, और SO भावरखोल जो हैं, वो इसकी इस सुरक्षा का दायित्व संभालेंगे। मैं मैडम जानना चाहता हूँ ये कि कोई भी मुकदमा अफजाल अंसारी पे पहले हुआ था कि नहीं हुआ था, कि बिना मुकदमा किए हुए इन पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, सभी की जानकारी आपको है? हाँ, हमें कल ही आदेश मिला है और हमें बस बताया गया और इसे इसका अनुपालन कराया हमने, और पूरी जनपद की पुलिस उसमें थी, पुलिस अधीक्षक हमारे वो थे, उन्हीं के उसमें वह निर्देशन हुआ। किस मुकदमे में हुआ, कोई आपको जानकारी दी गई किस मुकदमे में कोर्ट कर रहे हैं? गैंगस्टर एक्ट क्या उसका नंबर वगैरह सेक्शन 14(1) तो है सर जी। वो मुकदमा क्या नंबर था उसका बताइए। मुकदमा नंबर तो मैं नहीं बता पाऊँगी, ये आपको पुलिस की जानकारी क्षेत्राधिकारी साहब से बात करनी है। उनके पास भी नहीं है, क्षेत्राधिकारी के पास भी उनकी जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा कि आपसे पूछने की मुकदमा क्या था। नहीं, प्रेस नोट उनके यहाँ से ही जारी हुआ है, तो वही आपको जानकारी दे पाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू। वीरपुर गांव में मौजूद हूँ और यहाँ भावरखोल थाना अंतर्गत में अफजाल अंसारी के कुछ खेतों पर प्रशासन द्वारा कुर्की किया गया है। मैं आपसे आपका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि इस कार्रवाई को आप लोग कैसे ढंग से देख रहे हैं। मैं राम जी राय, गांव सभा वीरपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपका सवाल का जवाब ये देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, मुल्क में जो सरकार, उसके तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये कार्रवाई हुई है, अब सांसद अफजाल अंसारी जो बसपा के गाजीपुर के सांसद हैं, जो कार्रवाई हुई एक कार्यपालिका द्वारा हुआ है। हम लोग अखबार के माध्यम से चाहे और चैनलों के माध्यम से हमें जानकारी हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्यपालिका ने, जो तहसीलदार साहब हों, चाहे SP साहब हों, चाहे DM साहब के आदेश से जो भी कार्य हुआ है, सांसद अफजाल अंसारी या उनके पूरे परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो न्यायपालिका से न्याय होगा, उसका बड़े एहतराम और मोहब्बत प्यार से उसका कदर करते हुए, जो न्यायपालिका से समाचार मिलेगा उसका वो कदर करेंगे, उसको मानेंगे। लेकिन हम लाख कहें, देखिए, अगर विरोधी राजनीतिक विरोधी हो, चाहे व्यक्तिगत विरोधी हो, विरोध की एक सीमा होती है। मैं कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति से हमारा तन्हा दुश्मनी क्यों न हो, चाहे राजनीतिक विरोधी क्यों न हो, लेकिन अगर तूफान आता है, आंधी आती है, पेड़ टूट जाता है, उसके घर पर कोई दुर्घटना घट जाती है, मैं तन्हा राम जी राय कह रहा हूँ कि मैं खेत प्रकट करूँगा, उस जमात का व्यक्ति हूँ। मैं भी एक राजनीतिक हैसियत रखता हूँ, छोटा ही क्यों न रखूँ, लेकिन अगर राजनीतिक विरोधी क्यों न हो, लेकिन अफजाल अंसारी के परिवार के साथ जो हो रहा है, मैं नहीं कहता, भरोसा है जो कि न्यायपालिका जो फैसला करेगी, उससे साबित होगा कि उनके साथ जो हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन आने वाले दिन में जनता, जो उनके हमदर्द लोग हैं, हमदर्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आप दो पांच कहें हम उसको मानते रहें। हमदर्दी का कोई एक अपना सीमा होता है। अगर हमारा लड़का बेईमान हो जाए, मैं कतई नहीं कह सकता कि हमारा लड़का ईमानदार है, बेईमान कहूँगा, अदालत में भी कहूँगा, जनता के बीच में कहूँगा। अफजाल अंसारी एक जनता का सेवा करके समाज में एक ऐसे शख्स जो एक शख्सियत के रूप में उभरे, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक विरोधी हैं जो उनको राजनीति से दूर करना चाहते हैं। लेकिन दूर करो, बुराई जब दूर होगी तो अच्छाई से दूर होगी। अगर मेरे शरीर पर कोई पाक लग जाए, गंदा लग जाए, तो साफ पानी से धोया, जिस रास्ते से, जो तरीका कोई अख्तियार किया हो,
उस रास्ते से, उस तरीके से अफजाल अंसारी एक ऐसे शख्सियत हैं कि उनके बाप दादे का एक लंबा इतिहास है, उस संकुचित भाव में छोटे दृष्टिकोण में उसको जानना चाहेंगे, कतई नहीं जान सकते। हम मुल्क का इतिहास पढ़ें, दृष्टिकोण को व्यापक बनावें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अफजाल अंसारी और अफजाल अंसारी का परिवार क्या है क्या नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है, मुल्क के इतिहास में तवारीख के पन्नों में उल्लेख है, ज़्यादा न हो थोड़ा ही हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अफजाल अंसारी को डराने के लिए और ये वोट अभी संसदीय चुनाव का तैयारी की जा रही है? देखिए, अफजाल अंसारी एक ऐसे शख्सियत हैं कि अगर ये कार्रवाई के द्वारा उनको अगर डराया जा सके, ये संभव नहीं। इसका फैसला तो गाजीपुर की जनता लेगी, पूर्वांचल की जनता लेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक समय आया कि वन वन घूमे, चिड़ई कौवा से पूछे कि सीता जी को देखे हैं, लेकिन एक वक्त आया कि अपनी मर्यादा को बचाते हुए 14 बरस वनवास में रहे, लेकिन कभी भी मर्यादा पांच नहीं आने दिया। जब वनवास से आए तब उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ। उसी तरह से अफजाल अंसारी के सामने चाहे जो भी परिस्थिति आवे, जो भी उनके सामने इस तरह की समस्या आएगी, कभी भी मर्यादा को खोने का काम नहीं करेंगे और एक तौर तरीके से न्याय पर भरोसा, न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए अपने राजनीतिक जीवन को बिताएंगे। लेकिन मैं इस वक्त भावरपुर में मौजूद हूँ और यहाँ के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है और मैं इसे जानना चाहता हूँ, कभी भी इस इलाके से पुलिस गई है, वापस गई है, वो क्या प्रोग्राम था, क्या कार्रवाई करके गई है और क्या बात जानते इस बारे में आप? ये भावर, मेरा नाम विक्रमा यादव जी, कठार का पूर्व प्रधान हूँ और भावरपुर ब्लॉक का पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष रहा हूँ जी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी को हरस करने के लिए उनके तीनों चारों प्लाटों पे कुर्की की कार्रवाई हुई है। अच्छा, जो अफजाल अंसारी कभी एक चींटी भी नहीं मारे हैं, न कोई मुकदमा है और इसके बाद उनकी कुर्की की गई है। मुझे सुनने में ये आया कि कोई गैंगस्टर की क्या कोई केस है जो न्यायालय में विचाराधीन है और जिस केस के आधार पे वो चला था वो केस खारिज हो गई, लेकिन इसके बाद ये सरकार जबरदस्ती विपक्षी लोगों को रगड़ने के नियत से काम कर रही है और क्या कहा जाए, जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्ट कह दिया है कि न्यायपालिका भारत के संविधान की रक्षा के लिए है, न कि सरकार के लिए, और यह केंद्र की सरकार तो जो चाह रही है कि जो चार्ज वो बनावे बस उसी को न्यायपालिका फैसला दे दे, तो अब तो देखना है यहाँ के महान न्यायपालिका, महान न्यायाधीश न्याय की रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रक्षा करते हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है अफजाल अंसारी को डराने के लिए, जाकर अफजाल अंसारी पांच बार विधायक रह चुके हैं, दो बार सांसद ही हैं और इन पर किसी तरह का आरोप नहीं है गबन का, क्या उसको डराने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल 100% 101% डराने के लिए और उन लोगों के कदावर नेता को इन्होंने धूल चटा दिया है, उसके बस प्रतिशोध में ये कार्रवाई हो रही है और कहीं कुछ नहीं। धन्यवाद।